नमस्कार दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो आप जीरा देख रहे हैं ये हाथ से छिड़काव किया हुआ नहीं है, ये सीडल मशीन से बोई की हुई जीरा है। तो अभी 40 से 45 दिन का हो गया है। आप इसी जीरे को इस साइड से देखोगे तो आपको लाइनिंग के हिसाब से दिखाई देगा। जैसे जैसे कैमरा हम इधर करेंगे तो आपको आगे आगे लाइनिंग के हिसाब से दिखता रहेगा। जैसे इस साइड से आपको ऐसे आगे दिखाते रहेंगे तो लाइन के हिसाब से आपको दिखता रहेगा, और ऐसे कैमरे को घुमाएंगे तो आपको हाथ से छिड़काव के जैसा दिखता होगा। तो जो आप लाइनिंग के हिसाब से देख रहे हो, अभी जो लाइनिंग के बीच का जो गैप आपको नज़र आ रहा है, तो समझ लो कि 10-15 दिन बाद में जो भी ये गैप है पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप कैमरे की स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा पूरा जो जीरा है आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा शेडल मशीन से बोया हुआ है। जो इसका जीरे का जो बीज है वो 800 या 900 ग्राम के करीब डला हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा भारी है, तो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बीज डाला है इसमें। वैसे मीठा पानी रहता है तो 700 ग्राम भी बीज खूब है इसके अंदर। बहुत लंबी ज़मीन है, और वैसे आप इस साइड से देखोगे तो आपको हाथ से छिड़काव के जैसा आपको नज़र आता होगा। और जैसे ही कैमरे को अपन इस साइड करेंगे तो आपको मशीन से बोया हुआ जैसा दिखेगा। तो ये पूरी पूरी फसल है, मशीन से बोई हुई है। आप भी बो के और उच्च क्वालिटी बीज की अच्छी बचत कर सकते हैं। जो आप महंगे भाव के जो बीज खरीद के लाते हैं उनकी आप अच्छी सी बचत कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। जो किसान है और जो ट्रैक्टर ऑपरेटर है जो क्या बता रहे हैं, उनकी अपन पूरी बात सुनेंगे और आप ज़रूर से ज़रूर देखें। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? टेक माराम जी। तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो आप हमने जो कैमरे में अभी जो बिजाई दिखाई है किसानों को और जो किसान देख भी रहे हैं, तो ये बिजाई आपने करी है? हम खुद। अच्छा जी, तो आपका खुद का ट्यूबवेल है? हाँ, खुद का। अच्छा, तो आपके खुद के ट्यूबवेल पे कितना बीजान है? बीजान लगभग 150 बीघा है। 150 बीघा है। तो आप मुझे ये बताएं, जो किसान देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई वीडियो ऐसे भी हो सकता है कि या हकीकत है? हकीकत है। तो आप 150 बीघे के अंदर मशीन से पहले हाथ से छिड़काव से कितने केजी तक जीरो डालते थे, कितने केजी या कितने क्विंटल तक डालते थे? जीरो तो एक हल्की मो 20 किला सौंठ था। अच्छा, 20-22। हाँ जी, हमें हल्की मो 500 किला मशीन। हाँ जी, जो ये किसान बता रहे थे कि हम एक हल के अंदर 6 बीघे होते हैं उसके अंदर 20-22 केजी हाथ से छिड़काव के लिए जीरा डालते थे, वही जीरा अगर मशीन से हम इन्होंने बोई किया वो 6 केजी या 5 केजी डाला है, मतलब प्रति बीघे के हिसाब से इन्होंने 1 केजी के करीब जीरा डाला है। तो उसमें और इसमें जो आप हाथ से छिड़काव करते थे और मशीन से बोए हुए में क्या डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, ये मशीन में बहुत फायदे हमारे। अच्छा, बहुत फायदा है आपको। क्या फायदा है, आप कुछ फायदे किसानों को बताओगे? ये आते हूँ कम जीरा बहते हमारे। हाँ जी, ये फायदा है जीरे को। हाँ जी, दो एकदम मशीन में हरी को उगे। हाँ जी, बीमा सौटो बीमा आधो उगे आधो उगे को नहीं। हाँ जी, इमो एक दोनों ही जमीन नहीं रहे, सब उग जिए जी। हमारे किसानों मशीन में बहुत फायदा है। अच्छा जी, तो आपने मशीन खरीदी है या फिर दूसरे से बोवाई कराई है? हम आप खरीदी खुद। अच्छा, तो मशीन कौन सी कंपनी की थी, आपको कुछ नाम वगैरह पता है? नाम वगैरह मैं याद नहीं है। अच्छा जी, आपको याद नहीं है। तो आपके नज़दीकी कहीं पे बनती है? भीमडा मिलती है। अच्छा जी, भीमडा की जो ये बता रहे हैं, इनको नाम का पता नहीं है। इन भाई साहब ने बताया कि हमको नाम का मशीन का पता नहीं है, परंतु भीमडा की बनी हुई मशीन है। और उसमें क्या फ़ायदा होगा, जो आप पानी डालते हैं, जैसे पानी का कुछ बचाव कर होता है इस मशीन से बोए किए हुए? एक पानी का बचाव, एक दो पानी का फायदा हमारा। अच्छा, तो 1 घंटे के बिजली की बचत करते हो या फिर 1.5 घंटे की? 1-1.5 घंटे के हमारे फायदे, क्योंकि सौटन वाले में एक पानी हल्लो मांगे, मशीन वाले एक पानी कम मांगे उगड़ में। जी, तो इन्होंने बताया कि मशीन की आप 1-1.5 घंटे की बिजली की भी बचत कर सकते हैं, और जो इसका जो उगाव है वो जल्दी है या फिर हाथ से छिड़काव वाले का इसका उगाव लेट है, ये बताओ। ये जल्दी मशीन वाला। अच्छा,
ये जल्दी से निकल जाता है, जल्दी निकलता है। अच्छा जी, जो भाई साहब ने अपने को जानकारी दी तो वो जानकारी आप ज़रूर लें, और जो किसान हैं वो इस वीडियो के माध्यम से और मशीन ज़रूर खरीद सकते हैं। और आप मशीन लेके कितना खुश है ये बताओ? बहुत खुश हैं हम। अच्छा जी, ये किसान बता रहे कि हम मशीन लेके भी बहुत खुश हैं। तो करीबन करीबन आपकी मतलब मशीन का जो आपने जो मशीन का जो पेमेंट किया होगा, जो ख़रीदने का पैसा डाला होगा, वो तो आपका बीच बीच में भी निकल गया होगा। निकल गया हमारा। और मुझे ये बताओ कि आपके अलावा आपने साइड में कितने बीघों तक बिजाई कर रखी है मशीन से? हम बीघे 70-80 बीघा कड़काटी। 70-80 बीघे का 70-80 घंटे तक? 70-80 घंटे तक। अच्छा, 70-80 घंटे साइड में चला दिया, तो आप ये मान सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर 6 बीघे आप निकालते हैं। तो 1 घंटे के अंदर जो ट्रैक्टर चलता है वो 6 घंटे करीब निकाल देते हैं। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि भाई इन्होंने 70-80 घंटे जो ट्रैक्टर जो चलाया है, तो आप समझ सकते हैं उस हिसाब से आप कलेक्शन कर सकते हैं। 500 बीघे बनते हैं, 400 बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो आपको बना के डालेंगे। जो कई किसान हमको बोलते हैं और कई लोग भी बोलते हैं कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, तो उनको मैं ये बता दूं कि जो हमारा जो वीडियो रहता है वो रियल वीडियो रहता है। ऐसा नहीं है कि हम एडवर्टाइज करें फिर किसान को सुनवाएँ और वो हमारा वीडियो देखें, ऐसा हमारा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारा काम है वो एकदम रियल काम है। तो जो हम किसान के साथ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो आपकी राय बताते हैं, वही आपको हम दिखाते हैं। नहीं तो अगर हम किसान को कुछ नहीं बोलते हैं, वो आपके मन की बात बताते हैं, और हर एक किसान को मन की बात बताई हुई पे भरोसा ज़्यादा रहता है। तो आप भी सुपर फास्ट कंपनी का ज़रूर मशीन खरीदें, बीज की भी बचत करें, बिजली की भी बचत करें, पानी की भी बचत करें, और आपकी मेहनत भी कम करनी पड़े आपको खरपतवार निकालने में, तो आप ज़रूर इस मशीन को ख़रीद के आप अच्छी फसल ले सकते हैं।